रोज सुनना लो बोलो मुश्किल हुए ना नहीं नहीं ये डबल आवाज क्यों ये डबल आवाज क्यों इसको रोको पहले बस एक एक आध मिनट में उत्तराध्यन सूत्र का आज 30वां अध्ययन तपो मार्ग उत्तराध्यन सूत्र का आज इस 30वां अध्ययन तपो मार्ग महत्वपूर्ण अध्याय का जैन परंपरा की दृष्टि से तप के महत्व को इस हम बचपन से ही समझ रहे हैं महत्वपूर्ण अध्याय का अभी एक मिनट के लिए आप इसे ठीक कर लीजिए तप के महत्व को इस हम बचपन से ही समझ रहे हैं जैन परंपरा के लिए तप की आराधना ऐसे जैसे जन्मजात किसी बालक के लिए जिस तरह से और सारी चीजें उसे पता होती है उसी प्रकार से तप का भी क्योंकि उसके घर में उसकी दादी माँ होगी उसकी माँ होगी परिवार में आसपास में लोग होंगे उन सबको पता है कि मरिया पे उपवास किया जाता है छठ किया जाता है अठम किया जाता है अठाई होती है मास कमन होता है बचपन से ही बच्चे सुनते हैं तो तब जैन परंपरा के लिए कोई नई चीज नहीं है और इसकी इतनी सुदृढ़ नींव हजारों वर्षों के बाद में भी आज भी उस तप ने हमें इतना नहीं कि पहले जितने करते जितना करते थे आज जैसे विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि बिना भोजन के भी 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना 4 महीना लंबा लंबा तब 6 महीना तक तब और इससे भी प्रतीक तब करने वालों की संख्या आज जैन समाज में बहुत है बहुत सम्मानीय तपस्वी इस समाज में है क्या महत्व है तब का क्यों महत्व है इस विषय में अपनी बात में चर्चा करेंगे पहले स्वाध्याय कर लेते हैं तीसवा अध्ययन तपो मार्ग तब मग गई अचयनम तव मग गई जहाँ उपावगम कमम राग दोष समज्जियम खवे तव सा भिक्खु तमेग गमनो सुन पाणव मुसावाया अदत्त मेहुण परिग्रहा विरहो राई भोयण विरहो जीवो भवै अनासौ पंच समयोति गुत्तो अकसाओ जींदियो अगारवो यनिसल्लो जीवो होई अनासौ एसिं तु विवच्चासे रागद्दोष समज्जियं जहा खवयै भिक्खु
तमे गमनो सुन जहा महातलायस सन्निरुद्धे जलागमे उस चिन्नाय तवणाय कमेणं सियोसना भवे एवं तु संजय सावी पावकं मनिरासवे भवकोडी संचियं कम्मं तव सान्निज्जरिज्जयि सोतवो दुविहो वुत्तो बाहिरम्भन्तरोतः बाहिरो चव्विहो वुत्तो एवमभ्यन्तरो तवो अणसणमुणो यरिया भिक्खा यरियाय रसपरिच्चाओ काय किलेशो संलिणया यभज्जो तवो होइ इत्तरिया मण काले दुविहा अणसणा भवे इत्तरिया सावकंखा निरवकंखा बीज्या जो सो इत्तरिय तवो सो समासेन चव्विहो सेढ़ी तवो पयर तवो गणोय तह होय वग्गोय तत्तोय वग्ग वग्गो पंचमो छठो पयिन्न तवो मण इच्छिय चित्तत्थो नायवो होय इत्तरियो अणसणा मरणे दुविहा साविया सवियार अवियारा काय चित्तं पवि भवे अहवास परिकम्मा अपरिकम्माय आहिया निहारि मनोहारो आहार छेय दोसुवि ओमोयरियं पंचहा समासेन व्याहिय दौवो खेत कालेणं भावेणं पज्जवेहिय जो जस्सौ आहारो तत्तो ओमं तुजो करे जहन्नेणे गसिथाई एवं दौवेण उभवे गाम नगरे तहराय हाणी निगमेय आगरे पल्ली खेड़े कब्बड़ दोण मुह पट्टन मडंब संबाहे आसमये विहारे सन्निवेशे समाय घोषेय धनि सेना खंधारे सत्ते संवर्त कोटेय वाड़े सुवर चासुय घरे सुवा एव मित्तियं खेतं कप्पयु एव माई एवं खेतेन उभवे पेड़ाय अद्ध पेड़ा गोमूत्री पयंग विहिया चेव संबुक्का वट्टाय गंतुं पच्चा गया छठा दिवसस्य पूरुषीणं चौन्नंपि जत्यो भवे कालो एवं चरमाणो खलु कालो मानं मुने यवो अहवातयाये पोरिसीये ऊणाई घासमे संतो चौभागुनाये वा एवं कालेन उभवे इति वा पुरिसो वा अलंकियो वा नलंकियो वावि अन्नयरवयतो वा अन्नयरेणम्बवत्थेन अन्नेन विशेषेणं वन्नेनं भावमनुमुयन्ते एवं चरमाणो खलु भावो मानं मुनेयवो दौवे खेते काले भावं मिय आहियाउजे भावा एहि ओम चरहो पज्जव चरहो भवे भिक्खु
अट्ठभिः गोयरग्गं तु तः सत्तेव एषणा अभिग्रहाय जे अन्ने भिक्षाय रियमाहिया खीरदही सप्पिमाई पणियं पाणभोयणं परिवज्जनं रसानं तु भणियं रसविवज्जनं ठाना विरासणाया जीवसौ सुहावहा उग्गा जहा धरिजन्ति कायकिलेशं तमाह्यम् एगन्तमणावाये इति पशुविवज्ये शयनासनसेवनया विवितशयनासनम् एषो बाहिरङ्गतौ समासेन वियाह्यो अभ्यन्तरं तवम् एतो उच्छामि अनुपोवसो पाय चित्तं विणौ वेयावच्चं तहेव सज्जाहो जानं च व्युसग्गो एषो अभ्यन्तरो तव आलोयनारिहाय्यं पाय चित्तं तु दशविहं जे भिक्खुवै सम्मं पाय चित्तं तमाह्यम् अभ्युत्थानम् अञ्जलिकरणं तहेवासनदायणं गुरुभक्तिभावशुश्रूषा विणो एष वियाह्यो आयर्यमायं मिय वेयावच्चं मि दशविः आसेवणं जहाथामम् वेयावच्चं तमाह्यं वायणा पुच्छणा चेव तहेव पर्यटना अनुपेहा धम्मकः सज्जावो पञ्चहा भवे अट्टरुद्धानि वज्जिता जाये जासु समाहिये धम्मसुक्कायिं जानायिं जानं तं तु मुहावये शयनासनठाणे वा जेऊ भिक्खून वावरे गायस्य विवुसग्गो चट्टोऽसौ परिकीर्त्यो एवं एयं तवं तु दुविहं जे सम्मम् आयरे मुनि सेखिप्पं सौव संसारा विप्पमुच्चै पंडिते बेमि। तप क्या है? तप के विषय में बहुत स्पष्टता से दो बातें यहाँ पे हैं। ज्ञान की प्राप्ति, उसके जो अंतरंग साधन है ज्ञान के लिए, उसकी भक्ति क्षमता और ज्ञानवर्ण कर्म का जितना जितना क्षयोपशम होगा, उस क्षयोपशम के अनुसार उसे ज्ञान से प्राप्त होता है। उस ज्ञान के लिए ज्ञानवर्ण कर्म क्षय, उसका कारण अलग है। दर्शन के लिए मोहनी कर्म का क्षेत्र मोह कम होगा, दर्शन होगा। और चारित्र के लिए, आचरण के लिए, तप के लिए जो सातामिति कर्म का उदय होगा, शरीर स्वस्थ होगा, अनुकूल होगा, तो वो चारित्र उसका आचरण उसके ऊपर निर्धारित है। ये ठीक है कि उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, लेकिन इसके साथ उसके लिए शरीर, ये तीन साधना के तीन स्तर है। उसमें ज्ञान के लिए हमारी जो क्षमता, भौतिक क्षमता जितनी होगी, उसकी शुद्धि होगी, उसकी पवित्रता होगी, उसकी दृढ़ता होगी, उतना ही वो विषय को आसानी से, सुंदरता से ग्रहण कर सकेगा, पॉजिटिवली उसे जानने की कोशिश करेगा। और जितना जितना अज्ञान होगा, नहीं समझ पाएगा, जो सामने उसको भी नहीं समझ पाएगा। और दर्शन के लिए उसे, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, मुझे श्रद्धा है, मोहनी कर्म का क्षेत्र
जितना जितना मोहनी कर्म का क्षम होगा, जितनी जितनी राग द्वेष की कमी होगी, उतनी उतनी हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास निपड़ता जाएगा। और चारित्र के लिए, आचरण के लिए शरीर चाहिए। साता वेदनीय कर्म का उदय हो और शरीर स्वस्थ हो, तभी जाकर के हम आचरण कर सकेंगे। संयम की साधना, संयम की साधना संसार के जीव को, जिस तरह से संसार में रहना है तो वहां पर भी शरीर आवश्यक है, और साधना के लिए भी शरीर स्वस्थ होगा तभी कोई तप की आराधना कर सकता है, चारित्र की आराधना कर सकता है। पर अब बहुत सुंदर विचार करने जैसी बात है, शरीर स्वस्थ होगा तो तप की आराधना होगी। शरीर क्या है? माध्यम है, पर तप का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, शरीर को पीड़ित करना यह नहीं है, शरीर को पीड़ित करना यह नहीं। चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो दर्शन है, चाहे वो चरित्र है, उन तीनों का उद्देश्य एक है कि आत्मा के भीतर की जो अशुद्धि, अपवित्रता, दुर्वृत्तियां है, उनके निराकरण के लिए है। तीनों का उद्देश्य एक है, तीनों का उद्देश्य एक है कि जो अंतरंग जो हमारी भूलें हैं, उन भूलों का हम किस प्रकार से उसका परिमार्जन कर सके, अपनी कितनी विकृतियों को हम दूर कर सके, उसके लिए वो चारित्र है। तो एक तरह से तप का उद्देश्य हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि शरीर को कष्ट देना नहीं है, पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर लेना नहीं है, केवल विश्वास कर लेना नहीं है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है कि भीतर में जो दबा पड़ा है उसको उखाड़ करके फेंक दो और साफ सुथरा जीवन को बना दो, यही उसका उद्देश्य है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तब यदि भी शरीर से होता है, तब की आराधना शरीर से होती है, पर तब को शरीर को दंडित करना यह नहीं है। और हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी तब को बहुत पसंद करती हूँ, और मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है कि मैं मास कमेंट कर सकूँ। यानी पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, शायद बचपन के संस्कारों में हो, कुछ भी हो, तपस्वियों को मैंने आसपास में अपने को देखा है, उन तपस्वियों के जीवन को मैंने देखा है, उनकी एक जो गजब की, उनकी जो एक अनासक्ति मैंने देखी है, अनासक्ति मैंने देखी अपने परिवार में भी, अपनी नानी को देखा है, यहाँ आने के बाद में बड़े महाराज को देखा है, भाई महाराज को देखा है, और इस तरह से अनेक तपस्वियों को देखा है। और जब मुझे किसी ने आंदोलन में और अनशन किया था, वो एक दिन का उपवास हुआ तो दूसरे दिन उपवास हुआ और 10 दिन उपवास हुआ, तो सब हल गए, हिल गए, सबके सब हिल गए, सबके सब हिल गए, और फिर इतना किलो वजन कम हो गया, अखबारों में देखो, इसमें देखो, उसमें देखो, फिर अंत में पारना कर लिया। मुझे ऐसे लगता है जैन समाज को अगर अनशन के लिए बैठा दिया जाए कि चलो दुनिया में से इस हिंसा के लिए, कि दुनिया में कोई हिंसा नहीं करेगा, इसलिए अगर कहीं कोई अनशन करना पड़ जाए तो जैनों की संख्या में, हजारों की संख्या में मास कमन करने के लिए, और इससे भी ज्यादा लंबी तपस्या करनी हो तो करने के लिए, क्योंकि इनके संस्कारों में तप है, इनके संस्कारों में त्याग है। और भोजन जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, भोजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य नहीं, संसार का कोई भी प्राणी किसी को भी जीवित नहीं रह सकता। और जीवन सबसे प्रिय है, और जो जीवन का आधार है उस आधार से ही अपने आप को अलग कर देना, ये बहुत बड़े त्याग के बिना तप नहीं होता, त्याग के बिना तप नहीं होता। जब तक उसके प्रति एक अनासक्ति का भाव ना आ जाए, और अनासक्ति के भाव के बिना कोई वस्तु छोड़ना संभव नहीं बनता, तो जो भी लोग तप करते हैं मेरे मन में उनके प्रति बहुत 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 आदर होता है, कि जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ में भी जीवन को भी अगर छोड़ देना पड़ जाए, और यही है कि तप की अंतिम जो परिणति है, व्युत्सर्ग,
आखिर वहां जाकर के क्या है, कि एक ऐसा समय आता है कि शुरुआत करता है, शुरुआत करता है और शुरुआत करता है अनशन भोजन छोड़ता है उनोदरी। और यहाँ इन्होंने उनोदरी के लिए बहुत महत्व दिया है, उनोदरी। चलो हम भोजन करने बैठे हैं, थोड़ा सा कम हो गया, कोई बात नहीं, बहुत आराम के साथ में, कोई एक आध चीज कम है तो कम चीज हो गई तो हम खुशी के साथ में, कोई बात नहीं, अनावश्यक एक छोटा सा हमारे से सहज ही एक छूट गया है, कुछ था वो आवश्यक नहीं था, वो अनावश्यक ही था, छूट गया। इसी तरह से क्षेत्र की उनोदरी, क्षेत्र की तरफ से आज हम अगर जाएंगे भोजन करें तो इसी जगह होगा तो भोजन करें, बाकी दूसरी जगह की भोजन नहीं करेंगे। उनोदरी, ये भी उनोदरी कि हम अपने घर में ही भोजन करें, बाहर भोजन नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, होटल्स वोटल्स बाहर की किसी चीज में हम नहीं लेंगे, ये भी उनोदरी है। उनोदरी ऐसा नहीं कि भोजन करने के लिए बैठो तो कुछ थोड़ा सा खा लो और ना खाओ और थोड़ा छोड़ दो। क्षेत्र उनोदरी है, क्षेत्र की भी उनोदरी, काल की उनोदरी। बस हम सुबह 2 बजे तक भोजन करते हैं, सुबह से लेकर के 2 बजे के बाद भोजन नहीं करते, ये काल की उनोदरी। कसब की उनोदरी है कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ये क्षेत्र उनोदरी है। तो तप के इन्होंने अंत में 2 प्रकार दिए हैं, एक बाह्य तप है और इसकी चर्चा अपने कर चुके हैं कि अभ्यंतर तप है। 2 प्रकार के तप की परम व्यवस्थाएं हैं, एक है जो शरीर से संबंधित है, अंचल है, उनोदरी है, भिक्षाचरी है, रस परित्याग है, ये सब बाह्य शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ में। और एक अभ्यंतर तप जो अंतर्गत स्मरण रखना, ये बाह्य तप, उसका उद्देश्य बाह्य तप नहीं है, बाह्य तप का उद्देश्य अभ्यंतर तप के लिए। और अगर अभ्यंतर तप की तरफ में दृष्टि ना हो तो बाह्य तप का भगवान की दृष्टि से उसका बहुत कम महत्व है, महत्व नहीं है। मैं तो ये शब्द नहीं कहूंगी, लेकिन इसकी जो एक सीमा है, इस सीमा से जाकर के ये बहुत ज्यादा आगे कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लेगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रायश्चित, मुझे तो ये शब्द बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। प्रायश्चित, प्रायश्चित का अर्थ की व्यक्ति है, जिंदगी है, भूलों का एक अंबार है, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर देखो एक भूल 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 हर जगह, अगर हम उसको देख सके बस हम बाकी सारी चीजों का पर्यावलोचन करते हैं, समीक्षा करते हैं, उसका वापस क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी गलतियां की, कहाँ गलतियां की है, उसको हम बराबर उसका आलोचन करते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो जिंदगी है उस जिंदगी में भी, और सबसे बड़ी बात है कि जो समय आज का है वापिस हम कल उसको लेकर के नहीं जा सकेंगे, आज का समय आज है, तो आज की भूलों को हम क्यों साथ में ढोएंगे, आज की भूलों को आज ही उसको निपटा दे, बोझ लेकर के नहीं चलना है। प्रायश्चित में प्रतिक्रम जो है और क्या है, प्रतिक्रम पर्यावलोचन, आप थोड़ा सा मुड़ करके देख लीजिए कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया था, कौन कौन सी ऐसी गलती थी जिसको मैं रोक सकता था, मैं बचा सकता था, अनावश्यक मुझे झूठ बोला, अनावश्यक मैंने माया की, अनावश्यक दंभ किया, अनावश्यक कहीं कम से कम मैं इतना जरूर कहूंगी, आवश्यक है, जरूरी है भोजन करना, जरूरी है सुनना, जरूरी है बोलना, जरूरी है बताना, जरूरी है चलना, बहुत सारी क्रियाएं जरूरी है, यद्यपि हम जानते हैं प्रत्येक क्रिया के पीछे वो कर्मबंध तो लगा हुआ है, कर्मबंध किसी क्रिया को वो छोड़ता नहीं, क्रिया मात्र कर्मबंध का कारण है, क्रिया मात्र कर्मबंध का कारण है, कोई ऐसी क्रिया नहीं, जाए आप मंदिर में जाए, चाहे कहीं और दूसरी जगह जाए, ऑफिस में जाए, कहीं भी जाए, कर्मबंध तो है, ये ठीक है कि कोई शुभ बंध है अशुभ बंध है उसकी बात अलग है, लेकिन बंध तो है, कर्म है तो क्रिया बंध है ही, और आपका उद्देश्य क्रिया बंध से मुक्त होना है, मोक्ष आपका उद्देश्य साधना का मोक्ष है, और मोक्ष है तो ये सारे कर्मबंध के कारण है। लेकिन कम से कम ऐसे जो कर्मबंध जो अशुभ हो उसका प्रायश्चित है, मैंने एक आध बार पहले भी कहा है कि जो प्रायश्चित है वो किसका प्रायश्चित है, पुण्य का प्रायश्चित नहीं है, ऐसी क्रिया जिस क्रिया से पुण्य बंध होता है, आगे जो चरण विधि है इसके विषय में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, जो चरण विधि है उसकी चर्चा के पूर्व में मैं इस अध्याय के लिए कहना चाहती हूँ
कि भगवान कहते हैं कि जो भी अशुभ बंध है उसका प्रायश्चित है, जैसे भिक्षा में सुकर्म नहीं है। आपने तो सुबह से सुकृत भी किया है, सुकृत भी किया है, अच्छे कर्म भी किए, आपने स्वाध्याय किया है, ध्यान किया है, सेवा की है, आपने बहुत अच्छा, उसका आप भिक्षा में दुकर्म नहीं करते। भिक्षा में दुकर्म किसका करते हैं? जो आपसे अशुभ प्रवृत्ति उसी का आप भिक्षा में दुकर्म करते हैं। तो ये जो गलत काम का प्रायश्चित है, तो इस तरह से ध्यान रखना की प्रायश्चित आवश्यक है। और प्रायश्चित से उसके पीछे यही उद्देश्य है कि जितना कर्जा चढ़ाते चले जाओगे, बोझ बढ़ता चला जाएगा, जीवन उस बोझ से एकदम दुखी दुखी होता चला जाएगा। इसकी अपेक्षा से आज का कर्जा, आज का जो कचरा है, देना लेना है, उसको निपटा दो, उसको कल के लिए मत रखो। आज के जो गंदगी बुराइयां है उसको बांध करके समेट करके रख दो, उसको दूर कर दो, मत साथ में लेकर के चलो। तो ये जो एक तरह से प्रायश्चित है, ये एक जीवन परिमार्जन का, जीवन की शुद्धि का, और कितना आसान है। इसके लिए न पैसा लगता है और कुछ नहीं लगता है, न कहीं किसी जगह पे जा करके उसको, कहीं नहीं, जहां बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, शांति से बैठ जाना है। और शांति से बैठ करके अंदर का आत्मशुद्धि के लिए थोड़ा सा भी विचार करना है कि इन गलतियों को रख करके मैं सज रहा हूँ, मेरी सजावट हो रही है, मुझे कोई सौंदर्य मिल रहा है, मुझे कोई पारितोषिक मिल रहे हैं, मुझे कोई इनाम ला करके दे रहे हैं, मेरा कोई सम्मान बढ़ रहा है, रखो भैया, इसे कुछ होता होगा तो। पर अगर अगर वो तुम्हें भी परेशान करती है और दूसरों के लिए भी वो परेशानी का ही कारण है, तो ऐसी गंदगी को साथ में ढोने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये वस्त्र गंदा हो गया है, कर दो साफ। इस गंदे वस्त्र को, इस मलिन वस्त्र को साथ में लेकर के मत चलो, मत चलो। जो है भार है उतार दो, प्रायश्चित है, विनय है, विनम्रता। और मैं फिर कहती हूँ, ये आचार की विनम्रता नहीं, इस जीवन की इतनी सरलता और छोटे बड़े का प्रश्न नहीं। गुरुजनों का प्रश्न तो है ही कि जो तुम्हारे से गुणों से जो श्रेष्ठ है, उन गुणों के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान का भाव हो और उसके प्रति विनय। और ये फिर कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी जाति धर्म पंथ संप्रदाय के भेद के बिना, इन्होंने कई भेद नहीं किया कि तुम्हारे अपनी परंपरा के हो तो उनका विनय कर लेना और दूसरा कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका अनादर कर देना, ऐसी चर्चा। उसकी विनम्रता, उसकी कोमलता उसका स्वभाव बन जाता है। जो स्वभाव बन जाता है वो एक जगह ऐसा, दूसरी जगह वैसा, ऐसा नहीं कि एक जगह आग तो किसी को जला देगी और एक जगह जाकर के घर में आकर के आग कोई उसको ठंडा पानी की तरफ पिलाने के लिए नहीं होगा। आग आग है, गंदगी गंदगी है। इसी तरह से जो अच्छाइयां हैं वो कहीं भी जाओ वो अच्छाइयां हैं। तो उस अच्छाइयों को बस जितना जीवन में समेट सको, विनय और मैयावृत्य बहुत सुंदर है। मैयावृत्य की बात मैं क्या कहूँ। मैंने ऐसे गृहस्थों को देखा है, साधुओं की तो बात छोड़ दीजिए। और मैं अपने साथ जी थे, अरुणा जी, बहुत बीमार थे, शरीर से भी थोड़े से नाटे थे, मोटे थे, और उनको कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर हो गया। और जिस तरह से वो अस्वस्थ थे, उनके शरीर की विकृतियां थी, तड़प जाते थे, रात रात दिन दिन तड़प जाते थे। डॉक्टर कटारिया एक ऐसे ग्रस्त को मैंने देखा है, कि जिस ग्रस्त का कोई भी अस्वस्थ हो जाए, कोई भी, और खास करके मुझे अपने साथी संग की बात तो जाने दीजिए, ऐसे कोई भी व्यक्ति बीमार अस्वस्थ हो जाए, रास्ते में पड़ा हुआ हो, कहीं भी जाएगा, डॉक्टर है। तो उन्होंने इस प्रकार से उसकी जो सेवा की है, साध्वी जी अरुणा जी, एक तरह से वो पट्टे पे सोए हैं और मैं भी वहाँ पे थी। मुझे वो दिखा नहीं जाता था, मैं एक अलग कमरे में थी और वो एक अलग कमरे में थे। तो रात को तो डॉक्टर कटारिया स्वयं, इतना अस्वस्थ शरीर, उनको उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल था। वो वहीं पे उनके पास भी रह जाते थे, लेट जाते थे, वहीं बैठते थे कि कहीं उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए वो उनको उठा लेते, उनकी वो गंदगी, वो जो बीमारी, वो जो उसमें से निकलता था उसको वो साफ करते थे।
फिर उनको बाथरूम तक ले जाते थे। डॉक्टर कटारिया जैसा गृहस्थ व्यक्ति, जिस तरह से मैंने उसको सेवा करते हुए देखा है, मेरा मन उसके प्रति, उस सेवा के प्रति, और भैया ब्रज जो सेवा है, वो जो सेवा है सचमुच में किसको प्रभावित नहीं कर जाती, किसको प्रभावित नहीं कर जाती है। तो एक तरह से ऐसे जो गृहस्थ है, मैं नहीं कहती हूँ कि साधु ही, गृहस्थ भी एक गजब की सेवा करते हुए होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो सेवा परम दुर्लभ है, बंधन देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है, कुछ आसान नहीं। व्यक्ति पैसे दे देंगे, समय दे देंगे, लेकिन सेवा करना हो अपने हाथों से, बीमारों के बीच में जाकर के खड़े होकर के उनकी उस गंदगी के साथ, उस बीमारी के साथ जीना रहना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसे भगवान ने कहा कि वो मुक्ति का मार्ग है। और कौन सा तप है? वो बाह्य तप नहीं है, वो कौन सा तप है? अंतर्गत तप है। जब तक कि सेवा का भाव नहीं होता, यही नहीं, मैंने डॉक्टर कटारिया के साथ में, मैं अफ्रीका में थी, नैरोबी में थी, और वहाँ मैंने इस प्रकार से सेवा करते हुए उस क्रिश्चियन नंस का लिटिल सिस्टर होम करके एक बहुत सुंदर एक संस्था, हजारों बच्चे, हजारों बच्चे, मैं क्या बताऊँ कि मैं खास करके उन्हें, उन सबको मिलने के लिए गई, मिलने के लिए गई, उनको नंस को देखा, जिस तरह से उन बीमार बच्चों को उठा रहे हैं और जिस तरह से अपने पास में रख रहे हैं, सुला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं, और कम से 700-800 बच्चे, इतना बड़ा एक जमघट का जमघट, और ऐसे, और खास करके अफ्रीकन बच्चे, वो बच्चे ऐसे ही, उनके अलग प्रकार के शरीर होते हैं, और ऐसे, और वो जो नंस सेवा कर रही थी, तो मैंने पूछा, एक को पूछा कि भाई तुमको इस प्रकार से सेवा करते हुए तुमको ऐसे डर नहीं लगता क्या कि इन लोगों के बीच में हम रहते हैं, सुबह से रात तक इन्हीं के साथ में है, 24 घंटा हम इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं के साथ खाते पीते हैं, तो इस तरह से ये बीमारी कहीं हमें न लग जाए, ये छू न जाए, क्या तुम लोगों के मन में ये प्रश्न खड़ा नहीं होता? तो उसने मुझे जवाब दिया, बस मैं काम गई, मुझे ऐसे लगा कि अभी भी जब भी कभी बीमार लोगों के बीच में मैं चली जाती हूँ घर के हॉस्पिटल, वो मुझे घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैं मुझे कभी भी उनके प्रति भी मेरे मन में एक थोड़ा सा भी प्रभु की कृपा से, बस उसने जो जवाब दिया, उस जवाब को कहते कि अब तक इतना समय हो चुका है, इतने समय में हमारे सब कभी किसी साथी को हुआ नहीं, और अगर हो भी जाए तो हम इसे प्रभु के प्रसाद के रूप में कि हम इसे स्वीकार करेंगे, प्रभु की कृपा के रूप में हम इसे स्वीकार करेंगे, हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है। तो मैं सचमुच में बस यह जो सेवा का भाव है, अप्रतिम भाव है, और इसी प्रकार से हमारे साधु संघ में भी ऐसे ही हैं, साथी साधना जी हैं, साथी विभा जी हैं, इसी तरह से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो तो तत्परता से उनके पास जाकर के हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। तो भैया वृत्तियाँ बहुत कठिन है, और ये अंतरंग तप है, जब तक कि करुणा का भाव पराकाष्ठा पर नहीं आता, दूसरों के प्रति पानी मत छुओ, पानी को वनस्पति है, इसको पाप लगता है इसलिए इसको छोड़ दो, ये त्याग, ये एक अलग प्रकार का त्याग है, इस त्याग को आसानी से व्यक्ति कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं करें खाएंगे तो कल खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु सेवा, वो अपना समय उसमें दे देना, फिर वो वापस कल के लिए नहीं आएगा, इस तरह का समय सेवा के लिए समर्पित कर देना। और जिस तरह से मैंने इन दोनों को, बड़े महाराज और माई महाराज को तो कहना ही किया था, मासी जी का कहना ही किया था, उनके बेटे का कहना ही किया था, परंतु इन साथियों की भी तब की जो भूमिका है वो कसब की है, सेवा की भावना बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहा यह मोक्ष का मार्ग है, ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, और यह सेवा भी मुक्ति का चारित्र भी, और ये चारित्र में ही तप आता है, तप भी मुक्ति का मार्ग है। बस विनय मैया वृत्ति है, और इसी तरह से विसर्ग है, बाह्य तप के छह तप और आभ्यंतर तप छह तप है, इसके एक एक तप का विवेचन बहुत सुंदर हो सकता है, और अंत में विसर्ग है कि एक ऐसा समय आ जाता है जीवन में जिस समय के लिए व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि मैं
मैं जो हूँ, ये शरीर है, आज बर्कंडे में भोजन छोड़ता हूँ, कल मैं फिर बोल लूंगा, ये बिस्तर गया। और फिर एक समय आता है वो देख लेता है कि शरीर अब मेरा साथ नहीं दे पाता, शरीर अब मेरा सहयोगी नहीं बन पाता। मैंने शरीर को जिस तरह से अपना समझ करके उसको संभाला है, चूंकि मेरी साधना का साधन है, मेरी साधना का अंतर्शुद्धि की साधना का साधन शरीर है, तो मैंने शरीर की उपेक्षा नहीं की, मैंने उस शरीर को भी संभाला है, लेकिन मैं देखता हूँ ये शरीर मेरे साथ नहीं दे सकता, तो अब ये साथ छोड़ने को तैयार है, तो इसको मैं खुशी के साथ जो शरीर को छोड़ देना, ये जिसे संतारा कहते हैं वह विसर्ग तप है, वह विसर्ग तप है। तो मैं संतारा के समर्थन में हूँ, और संतारा वो डॉक्टर्स लोगों की उन नलियों के आधार पर वो जीवन जीने की अपेक्षा से शांति के साथ में जो जीवन जिया है, उसकी खुशियों के साथ में और उसके साथ में अपने जीवन में उस धन्यवाद देते हुए, संसार को धन्यवाद देते हुए, शरीर को धन्यवाद देते हुए, शरीर का विसर्जन, ये संतारा ये सर्वश्रेष्ठ तप है। तो इस प्रकार से तप की बात यहाँ पूरी होती है। और आज चरण विधि थोड़ा लंबा अध्याय है, लंबा अध्याय है, अच्छा अच्छा चरण विधि छोटा है, हाँ छोटा है। गतिसैमम् अध्ययनम् चरणविहि चरणविहिं पवक्खामि जीवसौ सुहावहम् जं चरित्ता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम् एगो विरय चै मण्डले दण्डानं गारवाणं च सल्लानं च तियं तियं जेबिकुजयै नीचं सेन चै मण्डले दिव्ये यजे उवसग्गे तहा तेरिच्छमानुषे जे भिक्खुजयै नीचं सेन अच्छै मण्डले विघहा कसाय सन्नानं जानानं च दुयं तहा जे भिक्खुवज्जयै नीचं सेन अच्छै मण्डले वयेषु इन्द्रियत्तेषु समीषु क्रियासु य जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले लेसासु च सुखायेषु चक्के आहार कारणे जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले पिण्डोग्गः पणिमासु भयट्ठाणेषु सत्तसु जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले मयेषु बम्बगुत्तिषु भिक्खु दम्मं मिदसमिहे जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले उवासगानं पणिमासु भिक्खूणं पणिमासु य जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले क्रियासु भूय गामेषु परमाहं येषु य जे भिक्खु जयै नित्यं सेन अच्छै मण्डले गाः सोलसैहिं
तहा असंजमम मिय जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले बंबं मीनाय जयणेषु ठाणेषु समाहिये जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले ए गविसाय सबलेषु बाविसाय परिसहे जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले तविसै सूय गणेरुवाहियेषु सुरेषु जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले पणवीस भावनाहिं उद्देशे सुदसायिनं जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले अणगार गुणेहिं च पक्कप्पं मितहे वय जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले पावसुय पसंगेषु मोहट्टानेषु चेवय जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले सिद्धाय गुणजोगेषु तेतिसासायणासुय जे भिक्खु जयये नीचम सेन अच्छै मंडले ईयेषु ठाणेषु जे भिक्खु जयये समा किप्पं से सव संसारा विपमोच्चै पंडियोति बेमी। धार्मिक दुनिया में बहुत लंबे समय से एक प्रश्न चलता रहा है, समय आज अध्ययन स्वाध्याय उत्तराध्याय सत्र का आज इतना ही है, इसलिए थोड़ी सी उस विषय की चर्चा मैं आपके समक्ष विस्तार से कर लेना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है जो शताब्दियों से नहीं सहस्राब्दियों से चलता रहा है। योग की प्रवृत्ति अर्थात मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति अर्थात क्रिया, हमारा जीवन क्रिया से भरपूर है और ये क्रिया ही है जो संसार का कारण है, यही क्रिया के द्वारा ही मोक्ष है। ज्ञान क्रिया भ्याम स्पष्ट है, ज्ञान से और क्रिया से, ज्ञान से और क्रिया से मोक्ष है और अज्ञान से और क्रिया से संसार है। हम अपना एक सूत्र और बना लेते हैं अज्ञान से और क्रिया से, तो क्रिया तो दोनों ही जगह है, संसार के लिए भी क्रिया है और मुक्ति के लिए भी क्रिया है। अब प्रश्न है, प्रश्न है, प्रश्न क्या करेंगे तो क्रिया करने से कर्म बंद होगा, कर्म की चूंकि जहां जहां योग है, योग की प्रवृत्ति है, उस योग की प्रवृत्ति के पीछे कषाय का संयोग ना हो तो योग की प्रवृत्ति असंभव है। जब तक मैं करना चाहता हूं और मैं करना नहीं चाहता, ये इच्छा ही कषाय है, इच्छा मात्र कषाय है, इच्छा मात्र कषाय, इच्छा ही वो क्या करती है, योग को प्रेरित करती है और उससे क्रिया पैदा होती है। तो प्रश्न है कि थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, थोड़ा सा समझने जैसा है, लेकिन हमारे आसपास में भी ये प्रश्न निरंतर घूमता रहता है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी आपसे। तो ये जो क्रिया है वो किस प्रकार से, किस प्रकार से हमारे लिए, उसका थोड़ा सा शास्त्रीय आधार अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारे धार्मिक प्रश्नों के समाधान में हमारी स्पष्टता होगी और अगर आसपास में जरूरत हो तो हम उस बात को कह भी सकेंगे। इच्छा मात्र, इच्छा मात्र, इच्छा ही मोह का मतलब, एक जिसे हम कहते हैं इच्छा मोह की एक संतान है, मोह से ही इच्छा पैदा होती है,
मोह में से इच्छा पैदा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता, ये जो इच्छा है एक इच्छा से ही संसार होता है, इच्छा से संसार का बंध होता है, इच्छा से संसार की सारी गतिविधियां हैं। अब आपने सोचना है कि इच्छा से ही अगर ये सब कुछ होता है तो आज आप हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि इच्छा से ही मैं मंदिर में जाता हूँ और इच्छा से भोजनालय में जाता हूँ, इच्छा से ऑफिस में जाता हूँ, इच्छा से प्रवृत्ति करता हूँ और इच्छा से ही धर्म की आराधना करता हूँ, इच्छा से ही स्वाध्याय करता हूँ। और इच्छा से ही अगर क्रिया होती है तो एक क्रिया कर्म बंध का कारण है और एक क्रिया से वो क्या हो सकता है, मुक्ति होती है। तो ऐसे कैसे इच्छा के बिना, तो इच्छा जहां तक है तो सब के सब कर्म बंध का कारण है। तो ठीक है, ये फिर क्या होता है, इच्छा से जब क्रिया होती है तो जो गलत क्रिया होगी तो उसमें से क्या निकलेगा, गलत इच्छा होगी तो उसमें से क्या पैदा होगा, पाप पैदा होगा। और अच्छी इच्छा हो तो उसमें से क्या पैदा होगा, तो इच्छा दो प्रकार की, एक शुभ भी इच्छा है और एक अशुभ भी इच्छा है। तो शुभ इच्छा से क्या होगा, पुण्य बंध होगा, और अशुभ इच्छा से बंध तो दोनों है, शुभ में भी बंध है और अशुभ में भी बंध है। तो प्रश्न है, प्रश्न खड़ा हो जाता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है, विकट प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फिर अगर कर्म बंध ही होता है तो हो सकता है शुभ अशुभ, कर्म बंध ही होता है तो कर्म बंध होता है तो उस कर्म बंध से हमारा उद्देश्य, मंदिर में हम क्यों जाते हैं, तप की आराधना क्यों करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, उसके पीछे तो हमारा कर्म बंध से मुक्ति है, संसार से मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करना है। अगर शुभ प्रवृत्ति भी कर्म बंध का कारण है तो फिर शुभ प्रवृत्ति करने से उद्देश्य क्या मतलब है, जितनी भी शुभ प्रवृत्तियां होती है, शुभ प्रवृत्तियां होती है वे सब के सब शुभ प्रवृत्तियां कर्म बंध का कारण है। और आपका उद्देश्य क्या है, कर्म क्षय, आपका उद्देश्य मोक्ष, आपका उद्देश्य संसार से मुक्ति। तो आपका जितनी भी ये धर्म की साधना के लिए आपकी शुभ प्रवृत्तियां हैं वे सब के सब संसार बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। आप क्या कहते हैं, संसार परिभ्रमण का कारण है स्मरण रख लेना, संसार परिभ्रमण का कारण है ये सारी शुभ प्रवृत्तियां। जो भी आप करें, सेवा करें तो, किसी की सेवा करें तो, और इसीलिए वो पुण्य है। तो अंत में जाकर के कुछ लोगों ने धीरे धीरे ये कहना शुरू कर दिया कि सेवा करना, किसी को भोजन कराना क्या है, भोजन कराना, किसी को पानी पिलाना, तो फिर क्या करना चाहिए, किसी को पानी पिलाना में पुण्य बंध होता है तो बंध होता है, आत्मा का तो कल्याण नहीं होता, आत्मा का कल्याण नहीं होता, पुण्य बंध होता है। और पुण्य बंध से क्या होगा, शरीर को ही सुख मिलेगा, पुण्य बंध से हो करके क्या होगा, शरीर की सुविधाएं मिलेंगी, इसको क्या मिलेगा, शरीर को अनुकूलता मिलेगी। तो आखिर शरीर को मिला, संसार मिला, तो क्या करना है, फिर अन्न क्या करना चाहिए, किसी को पानी पिलाना, ये भी क्या है, पानी पिलाना पुण्य है, पानी पिलाना पुण्य है। तो क्या करें, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि ना पिलाया। हर लोगों ने इसे कहा कि संसार का काम है पुण्य, ये पुण्य कर्म क्या है, संसार बंध का कारण है। ये सेवा आप करते हैं, किसी को औषधि देते हैं, ये क्या है, पुण्य बंध का कारण, मतलब संसार को, बोलिए थोड़ा सा,
संसार को बढ़ाने का कारण है, संसार की अभिवृत्ति का कारण है ये सारी सेवा, सारा ये तो धर्म है। कि धर्म का ध्येय क्या है? मुक्ति। धर्म का ध्येय मुक्ति है। धर्म का संपूर्ण लक्ष्य अगर कुछ है तो संसार के बंध की तरफ में उसका लक्ष्य नहीं, उसका उद्देश्य एकमात्र आप तमाम कर्म के पार से, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तमाम प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलाना ही धर्म का उद्देश्य है। तो पुण्य कर्म से तो अंत में जाकर के यहाँ पे बहुत पुराने लंबे समय से एक परंपरा चलती रही है और लोगों ने इसको कम करने की कोशिश की, और यही कारण हुआ कि जो एक तरह से इस धर्म के साथ में एक विचारधारा ने एक इतनी दृढ़ता दे दी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो भी कुछ है स्वाध्याय करो, आत्मध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो। हाँ, थोड़ा भी कुछ करोगे तो कभी कभी अर्थ ध्यान होगा ही कि मैंने सेवा करनी चाहिए या मैंने सेवा की लेकिन उसका परिणाम सही नहीं निकला, वो बेचारा नहीं बच सका, तो तुम्हें अर्थ ध्यान होगा, अर्थ ध्यान होगा तो पाप प्रबंध होगा, पाप प्रबंध से तुम्हें और ही परेशानियां ही भोगेंगे, तो क्या फायदा? क्या पानी पिलाया पर बच नहीं सका, उसको मैंने बहुत पानी पिलाया, बहुत पिलाया, उसको बहुत औषधि दी, बहुत सेवा की, पर ये नहीं कुछ हुआ। इन पेड़ों को मैंने पानी पिलाया, पशु को पिलाया, इसको दिया, उसको दिया, फिर अच्छा परिणाम तो नहीं निकला, तो फिर उसमें से उस सत्कर्म में से क्या पैदा होगा? सत्कर्म में से वो दुख पैदा होगा, दुख में से दुख क्यों पैदा हुआ? वो पाप पैदा। तो एक तरह से ये जितनी भी प्रवृत्तियां आप करोगे उसमें से कुछ बच्चे आपने पढ़ाई का आपने कराया, पढ़ाई करने गए बच्चे लेकिन कुछ असफल हो गए, असफल हुए तो उनके परिवार में कठिनाई हुई और फिर वो आपको आकर के आपने पढ़ाया तो सही लेकिन उसको तो लाभ नहीं मिला, तो आपको लगा अरे पढ़ाना भी बेकार गया कि क्या हुआ, मैंने तो सत्कर्म किया, फिर उससे पश्चाताप, फिर वो एक संसार की अभिवृत्ति। तो जितने भी कर्म है उस कर्म के सब सुपरिणाम के साथ में प्रत्येक कर्म के पीछे दुष्परिणामों की, और इतना ही नहीं कहा कि आज हम इसको पानी पिला करके इसकी प्यास से मिटा देते ये बच जाएगा, और बच करके वहां जाकर उसे चोरी कर दी, कहीं किसी का गला काट दिया, कहीं जाकर के डकैती कर दी, कहीं कोई से पाप कर दिया, आपने खिलाया उसे लेकिन उसने वो तो सुधरा नहीं, वो तो ऐसे के ऐसे दुष्ट का दुष्ट रहा, आपका सत्कर्म का कोई फायदा नहीं हुआ, वो और मोटा ताजा हो गया आपके खाने से और वो पुष्ट हो गया, उसने और बुराई की तो आपको सत्कर्म करना क्या फायदा हुआ? तो उसमें से पाप होगा, आपने किसी की सेवा की तो बस पाप बन गया और पाप बन करके आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए ऐसे सत्कर्म से अपने आप को क्या करो, ये सत्कर्म संसार के अभिवृत्ति का कारण है। बस सीधी सी बात है, संसार की ये सेवा, ये सत्कर्म, ये संसार की अभिवृत्ति का कारण है। इस प्रकार से एक परंपरा तक चल पड़ी है। थोड़ा सा शब्दों में लोगों ने परिवर्तन कर दिया है, अच्छा है, बहुत समय के साथ में संशोधन किया है और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी एक तरह से फिर से इस सत्कर्म की परंपरा को प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जहां तक श्वेतांबर परंपरा है, बहुत उदार परंपरा है, मैं कहीं चूंकि मैं इस परंपरा से जुड़ी हुई हूँ लेकिन मैंने दिगंबर परंपरा के ग्रंथों को भी देखा है और लोगों के ग्रंथों को भी देखा है और परंपरा के लोगों के ग्रंथों को भी पढ़ने की कोशिश की है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक दृष्टि तो उनकी थी, कुछ उचित तो था, ऐसा नहीं कि वो संपूर्ण निराधार है, उनके पास में भी आवश्यक सत्य तो था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सामयिक करने बैठे हैं और एक ऐसी घटना, राजस्थान की एक घटना है, सरदार शहर की एक घटना है, मैं वहां पर गई थी, उस परिवार से मिली हुई हूँ, तो वह व्यक्ति सामयिक करने बैठा था तो एक पानी का सामने हौज था, एक छोटा सा गाय का बछड़ा उसमें आकर के उसमें गिर गया, वो तड़पने लगा, कोई नहीं था, अब सामयिक कर रहा था, उसको देखा कि क्या करना चाहिए, कि मैं सामयिक कर रहा हूँ, अगर मैं उठूंगा मैं उसको बचा लूंगा, अब गाय की
ऐसा हो जाएगी और मुझे तो सामयिक में तो पिचखान है, मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन उस गाय के बछड़े की उस तड़प को वो नहीं देख सका। वो उठ गया और उठ करके वो गया और उसने गाय के बछड़े को बचा लिया। आज उस परिवार ने फिर अपनी परंपरा में विचारों में परिवर्तन कर दिया है और वो उसने फिर से सोचा कि समय पर किसी के दुख को उसके दुख से उसको मुक्ति दिलाना, अगर ये धर्म नहीं हो सकता तो और कौन सा धर्म हो सकता है, और क्या धर्म हो सकता है। ये पुण्य बंध है, लेकिन ये पुण्य बंध ये किसी भीतर की करुणा में से पैदा हुआ, भीतर के आत्मभाव में से पैदा हुआ ये करुणा का भाव है। और जो आत्मा में से जो चीज निकल जाती है वो संसार बंध का कारण नहीं बन सकती। तो एक तरह से उसकी सोच ने इतना परिवर्तन कर दिया कि उसने फिर अपने आप को पूरी तरह से ही बदल दिया, अपने विचारों में परिवर्तन कर दिया और फिर उसने भी पुण्य बंध का निषेध नहीं किया। आज इस परंपरा में भी, जैन परंपरा में भी बहुत सारे लोग हैं जो पुण्य बंध को मतलब एक उसको त्याज्य समझते हैं, वो योग्य नहीं है, वो सामाजिक पुण्य है, सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए हमें करना पड़ता है, ये मजबूरियाँ हैं। धर्म कभी भी कोई मजबूरी नहीं करता, धर्म पूरी सम्यक दृष्टि देकर के दृढ़ता से चलने के लिए आपको एकदम मुक्त करता है। तो इस प्रकार से यह एक पुण्य बंध की चर्चा इस चरण विधि में। तो इन्होंने सबसे बड़ा एक उद्देश्य दिया है कि तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, एक कर्म बंध का कारण भी है और एक प्रवृत्ति, वही प्रवृत्ति अशुभ। तो अब तुम्हारा क्रम क्या होगा, तुम्हें चलना है। बोलोगे तो सही, चुप तो नहीं रहोगे, क्योंकि जितना भी बोलोगे क्या हो जाएगा, चलोगे तो कर्म बंध, बोलोगे तो कर्म बंध, खाना खाओगे तो कर्म बंध, कोई वस्तु इधर उधर से करोगे तो बंध, कोई वस्तु फेंक भी दोगे तो कर्म बंध, कर्म बंध तो चिपका हुआ है, तब क्या करोगे, किस तरह से चलोगे। तो भगवान ने कहा कि अब एक उपाय हो सकता है कि पहले एक काम करो, चलो अच्छी तरह से चलो, गलत रास्ते पर मत चलो। तो गलत रास्ते पर चलना छोड़ दो, उसमें से पाप ही पाप है, और ये क्या है, अच्छे रास्ते पर चलना पुण्य है, शुभ है। गलत मत बोलो, उतना बंद कर दो, अशुभ को छोड़ो। और कहां तक आ जाओ, अशुभ को छोड़ दो, जो गलत है उसको छोड़ दो, जहां जहां तुम्हारी गलतियां होती उसको तुम छोड़ते जाओ, और जो अच्छाइयां हैं उसको तो अपनाओ। और स्मरण रखना, बुराइयों की जितनी पकड़ होती अच्छाइयों की पकड़ कभी नहीं होती। देखा है आपने, बुरी चीजों का बहुत बड़ा जाल जंजाल होता है, बढ़िया उसको ये करना पड़ता है। देखा आपने, झूठ बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, और फिर कहीं फंस न जाए, अटक न जाए, कहीं हम अगर कोई गलत रास्ते में, झंझट हो जाएगी, बदनामी होगी वो ऊपर से। तो गलत बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सच बोलने के लिए बेधड़क बिधास्त होकर के आदमी सच बोल दे, कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सहन करने के लिए तैयार होता है, जो कि हिम्मत वाला ही आदमी सच बोलता है। तो भगवान कहते हैं कैसे मत बोलो, ऐसे जो अशुभ है उससे, अशुभ प्रवृत्तियों से, अशुभ बोलने से अपने आप को बचा लो, अशुभ से बचाओ, और जो अच्छी चीजें हैं बोलो, उससे बोलो। तुम बोलने से तो रुक तो सकोगे नहीं, चुप तक बैठोगे नहीं, मौन तो कर नहीं सकोगे, और कब मौन करोगे तो कितनी देर तक करोगे, फिर वो अंदर में फुसफुसाहट होगी। इसलिए भगवान कहते भी तुम थोड़ा सा बोल लो, लेकिन कैसे, भाषा समिति के साथ में, एक अच्छी तरह से विचार पूर्वक जो बोलना है उतना ही बोलो, अनावश्यक मत बोलो, भाषा समिति। तो उसमें से क्या होगा, पुण्य बंध होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ सत्कर्म करने वालों की जो अंदर की जो पकड़ होती है वो सहज होती है, पकड़ नहीं होती, वो सहज होती, वो स्वभाव में से आती है। और ये किसमें से आती है, अशुभ प्रवृत्तियां विभावों में से आती है। स्मरण रखना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो कहीं न कहीं विकृति में से, बीमारी में से अशुभ आता है। स्वास्थ्य में से क्या आता है, जो स्वास्थ्य है उसी में से शुभ आता है, और बीमारी में से
सारी विकृतियां पैदा होती है, बीमारियों में से विकृतियां पैदा होती है। इसलिए अशुभ की बहुत गहरी पकड़ होती है, शुभ की इतनी पकड़ नहीं होती, शुभ की इतनी पकड़ नहीं होती। अशुभ व्यक्ति ही बहुत उलझन से भरा हुआ, बंधा हुआ, रुका हुआ, अपने आप में फंसा हुआ, जैसे वो बांस की जो जड़े होती है वो एक दूसरे में ऐसे गुत्थम गुत्थ होती है, ऐसा उसका सारा जीवन ही गुत्थम गुत्थ होता, वो सरल सीधा होता ही नहीं। सीधा ऐसे बांस जैसे ऊपर में होता है वो सरल होता है, अंदर में कहो ही मत उसके, बहुत बहुत ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहना जो अंदर के जाल जंजाल से फंसा हुआ है, जो सरल सीधे जैसे वो कुछ कर भी दे तो उसकी इतना चिंता मत करना। तो अशुभ की क्या है, जबरदस्त पकड़ है, शुभ की पकड़ नहीं होती। किसकी पकड़ नहीं होती? शुभ की पकड़ नहीं होती, अशुभ की पकड़ होती है। इसलिए अशुभ अगर ये छूट जाए, अशुभ छूट जाए तो शुभ क्या कहते भगवान, अरे एक बार ध्यान करने बैठ जाओ सब छूट जाएगा। फिर वो एकाग्रता से शुद्धता में, शुद्धता की तरफ में जाने के लिए जो शुभ है वह हल्का है, वह आपको इतना पकड़ करके नहीं रखेगा, वह इतना उलझन से नहीं डूबा रहेगा, वो उलझन से नहीं डूबा रहता। अशुभ उलझन का जंजाल है और शुभ जो है वह सरल एक मार्ग है जिसमें से निकल, कीचड़ और दलदल में से पार करना आसान नहीं होता, कांटे कंकरीले उबड़ खाबड़ जमीन में से निकलना आसान नहीं होता, और जो सरल रास्ता होता है उसमें से चलना आसान होता है। तो भगवान कहते हैं अशुभ जो है वो क्या है, अशुभ क्या है, वो बहुत झंझट वाला मार्ग है, कम से कम उतना तो छोड़ दो। तो जीवन के लिए यद्यपि हमारा उद्देश्य शुद्धता की तरफ में है, कि एक ऐसा समय आए कि जिंदगी की तमाम प्रवृत्तियां, तमाम प्रकार की क्रियाएं उससे हम बिल्कुल विरत हो सके, एक ऐसा समय आए, ऐसा क्षण आए, ऐसा जीवन आए जहाँ हम अपने आप को सबसे परे, सबसे हल्का, सबसे ऊपर, और ये संसार जिसको मैंने पकड़ करके रखा है, जिसको मैंने पकड़ करके रखा है, बुरे के रूप में तो पकड़ा तो छोड़ा, अच्छे के रूप में भी उसको भी पकड़ने जैसा नहीं है, ये मेरा है नहीं, मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं ये शरीर भी मेरा नहीं, तो मेरी पकड़ किस चीज की, ना अशुभ की पकड़ ना शुभ की पकड़, वो सारी की सारी पकड़ वो छूट जाएगी। इससे चरण विधि का एक बहुत सुंदर अशुभ से निवृत्ति, और क्या करो शुभ में प्रवृत्ति करो, और शुभ से निवृत्ति अपने आप होगी, शुद्धता अपने आप उतर आएगी। शुभ से निवृत्ति, जैसे ही शुद्ध की तरफ में दृष्टि होगी वो शुभ भी अपने आप छूट जाएगा। देखा है केले का, जब तक कच्चा है केला, तब तक उसका छिलका क्या होता है, उसको उतारना, केले के छिलके को, कच्चे छिलके को उतारना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही केला जब भीतर से पूरा मीठा परिपक्व हो जाता है तो वो छिलका क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो ऐसे ही जब पितर की चेतना एक खूब प्रेम से भर जाती है तो वो जो अशुभ है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो वो शुभ जो है वो एक ऐसे उसकी तरह से है जैसे पके हुए छिलके के अनुसार वो जैसे आसानी से उतर जाएगा, ऐसे ही शुभ भी है वो ऐसे ही हल्के से उतर जाएगा, उसके लिए इतना श्रम नहीं करना पड़ता। अशुभ को छोड़ने के लिए श्रम होता है, अशुभ को छोड़ने के लिए श्रम होता है, लेकिन जो शुद्ध है वो अपने आप जैसे विस्तृत, जब व्यक्ति भीतर में जग जाता है, भीतर में पूर्णता से जग जाता है, तब अपना और पराया ऐसा भेद उसे नहीं रहता, सारी संसार की एकात्मकता उसके सामने आ जाती है, संपूर्ण सुख और दुख, और सबसे बड़ी बात है वो जो कर्तृत्व का अहंकार है, शुभ में जो है वो कर्तृत्व का अहंकार शेष रहता है, शुभ में कर्तृत्व का अहंकार शेष, ये करता हूँ मैं, ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ मुझे, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे धर्म में धर्म करना है, मैं ये करता हूँ, वो कर्तृत्व का अहंकार जो शुभ में रहता है, तो जैसे फिर वो देखता है कि कर्म
वो भी पराया है। तो ये करने वाला जो भाव है वो भी पराया है। तो पर वस्तु से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज पराई है, वो मेरी नहीं है। तो वो शुद्धता में उन सबसे एक राम, एक विश्राम, एक अलगाव अपने आप आएगा। तो चिंता शुभ की मत करो बाबा, चिंता शुभ की मत करो, शुभ की चिंता मत करो। सबसे पहले हमारा उद्देश्य, आपने देखा होगा घर की जब कोई व्यक्ति सफाई करता है तो पहले क्या करता है, बड़ी बड़ी जो गंदगी है उसको उठाता है। दिवाली के समय में बड़ी बड़ी जो गंदगी है उसको उठाते, फिर लास्ट में जा करके क्या करते हो, अपनी सफाई करते हो। जब बाहर की सफाई जो बड़ी बड़ी सफाई है वो हो जाए, फिर क्या करते हो, धीरे से फिर अपनी सफाई करते हो। तो इसी तरह से ये जो जीवन की बाहर की जो गंदगी है उसको पहले ठीक करते चलो, फिर अंदर में अपने आप बहुत ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर यह एक आपको मैं इसलिए कि आपके आस के पास में पुण्य बंध होता है, तो मत चिंता करो पुण्य बंध की, पुण्य बंध की चिंता मत करो, पुण्य बंध की चिंता मत करो। पुण्य उद्देश्य नहीं है, पर पुण्य बंध चूंकि हम अशुभ में है, अशुभ में है, हम अगर कहीं अलतू फालतू बातें करते हैं इसके पीछे से स्वाध्याय कर ले, व्यर्थ में अपना समय इधर उधर खोते हैं उसके अपेक्षा से हम अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो उस परिवर्तन को उसे धर्म का ही एक अंग मानो, उसे मत कहो ये संसार का काम है सेवा करना। और हमने सेवा करना क्या है, संसार का काम है, सेवा करना संसार का काम है। जब ये कोई कहता है कि भाई हम जो सेवा का करते काम वो धर्म नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है, वो साधना नहीं है, साधना तो केवल जब कोई किताब लेकर के बैठते वही साधना है, मैं कहती हूँ सेवा भी, सेवा भी, सेवा भी उतना ही। आज अगर कहीं कोई एक दुखी व्यक्ति के लिए आप अगर सेवा करते हैं तो मैं कहूँगी कि कोई एक व्यक्ति आपसे प्रश्न करे, आपसे प्रश्न करे कि मेरे अभी स्वाध्याय करने का समय है, और एक तरफ में कोई परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा की आवश्यकता है, तो इन दोनों में से मुझे कौन सा काम करना चाहिए, आप क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? अपना जवाब दोगे कि भगवान महावीर के सिद्धांत के अनुसार जवाब दोगे, भगवान महावीर के सिद्धांत के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार वो क्या कहते हैं, तुम सामयिक करो, स्वाध्याय करो, या कहीं जरूरत पड़ने सेवा, तुम सेवा भी कर लो और फिर स्वाध्याय कर लो। लेकिन अगर कहीं तुम्हारे समय की, साधन की, तुम्हारे बुद्धि की, जहां कहीं कहीं पर भी अगर तुम किसी के लिए उपयोगी बन सकते हो तो उसके उपयोगी बन जाना, ये क्या है, क्या है यह, किसी की जिंदगी में कहीं कोई एक छोटा सा भी कष्ट अगर दूर हो जाए उसके लिए अगर हम प्रयत्न करते हैं, ये हमारा प्रयत्न क्या है, ये धर्म है। इसे संसार का काम मत कहो, संसार का काम कह करके उस सेवा की उस महानता को जो आप नीचे धरती पर ला करके रख देते और हमारे दिमाग में यही महत्व बना हुआ है और हम अध्यात्म उसी को कहते हैं। आज अगर मैं और मैं अपनी बात करती हूँ, अपनी बात करती हूँ, मैं जब यहाँ पे आई और मैंने बड़ी आस्था थी कि भगवान की भूमि राजग्रह शास्त्र में जो पढ़ा था, सिद्धांत में जो राजग्रह का वर्णन पढ़ा था, वो देव लोगों से आसा, देवलोक की तरह है ये राजग्रह, स्वर्ग की देवता इंद्र तीर्थंकर जिस जमीन पर आ चुके हैं, उत्तरित हो चुके हैं, बड़े बड़े समूषण की रचनाएं जहाँ पे हुई है, इतना सब कुछ तो वो जगह कैसी होगी। और जब मैं यहाँ पे आई तो उस कल्पना में मुझे समझ में आया, यदि कि मैं बिहार में जैसे जैसे आई मेरा मन तो एक विषाद से भरा ही हुआ था, कल्पनाएं थी कुछ और जब देखा, बस भी देखा तो कुछ और था,
और उस जगह पे यहाँ आई, ये भगवान की भूमि, ये वैभार गिरी, और इस जगह पे ऐसे जो लोग जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से वंचित हैं, जीवन की न भोजन का ठिकाना, न कपड़ों का ठिकाना, न शिक्षा की व्यवस्था, न काम का कोई प्रबंध, हजारों की संख्या में उन परिवारों से मैं मिली, उन परिवारों के बीच में गई, उन लोगों से मिली, उन लोगों से बातें की, और उन लोगों की जीवन की व्यथा जब मैंने देखी, और ऐसे लोग, ऐसे बूढ़े अस्वस्थ लोग मैंने देखे, मैं सोचती हूँ अगर ऐसे समय अगर भगवान यहाँ पे आते तो क्या करते, वो क्या करते हैं? आप क्या सोचते हैं ऐसे समय में इन लोगों के बीच में अगर भगवान आते तो भगवान क्या करते हैं, क्या उपदेश देते उनको, क्या कहते हैं, क्या करते उपदेश देते, क्या करते? और बस मुझे ऐसा लगा कि भगवान की भूमि के ये लोग निश्चित रूप से उनके 2500 साल कोई बहुत बड़ा नहीं होता, इन्हीं इन्हीं के 500 पीढ़ियों के आसपास में ही वो लोग रहे होंगे, यहीं के लोग हैं, निवासी लोग हैं, जहाँ भी लोग हैं उनसे पूछो तुम कहाँ के, हम तो यहीं से हैं, यहीं के हैं, इन लोगों से पूछो कहाँ से, हम तो यहीं के पैदा हुए, यहीं के बड़े हुए हैं, इसी भूमि में यहाँ है, हम तो पता ही नहीं कि हम कहीं से आए, हम तो यहीं के हैं। तो एक तरह से ये जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, तो निश्चित रूप से उसी परंपरा के रहे होंगे जो महावीर की परंपरा के समय के साथ के लोग थे। तो उस समय के जो लोग थे, तो उस समय के लोग आज इस परिस्थिति में हैं। तो मैं सोचती हूँ कि महावीर के हम भी क्या हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, तो हमारे उत्तराधिकारी होने का फिर ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य, इनके लिए क्या करना है? यहाँ आकर के हम एक साधना का ध्यान केंद्र बनाते हैं, ध्यान केंद्र बनाते हैं, लोगों को आए सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, भक्तामर करो, काय का सामयिकन, काय का प्रतिक्रमण, पेट का तो ठिकाना है, भूख का तो ठिकाना, कोई भूख को मिटाने वाला तो कोई है नहीं, और कहाँ हम भगवान की बात करें और कहाँ परलोक की बात करें, किसको इसे समझ पाएगा, उनको क्या समझ में आ सकता था अगर उनके जीवन में अगर कुछ कर सके होते, कुछ कर सका कर सकने का विचार आया होता, तो बस यही सोचा कि इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उस प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही ग्रहण का काम प्रारंभ किया जाए। और फिर एक यही था, साधु 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 जो है ये गृहस्थों का काम है, ये साधुओं का काम नहीं है। किसी को शिक्षा देना, बोध देना एक अलग बात है, लेकिन स्कूल और टीचर और किताबें और ये पाठ्यक्रम और इसके लिए व्यवस्था, और ये बीमार व्यक्ति है को दिखाई नहीं देता, और ये बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति इतने इतने अपमानित होते हैं परिवार में, इतने उपेक्षित होते हैं, इन उपेक्षित लोगों को, क्या इसी प्रकार से यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इन उपेक्षित, इनकी उपेक्षा और कर दी जाए, या इनकी जगह कहीं खड़े होकर के कुछ छोटी मोटी अगर हम सहयोग की बात करते तो ये अच्छा होगा। पर बस चारों तरफ से एक ही बात थी कि साधु का धर्म नहीं है, साधु ऐसा नहीं कर सकता। मैं किससे पूछने जाऊं, किससे बात करूं, और तो कहीं बाहर समाधान मिलने जैसा था नहीं, बाहर से एक ही आवाज थी कि साधुओं का आचार नहीं है, गृहस्थ की सेवा करना साधुओं का आचार नहीं है। और अभी तक परंपरा में कभी किसी साधु ने उपदेश दिया हो सेवा का, लेकिन उसने खुद सेवा की हो, ये साधुओं का आचार नहीं है।
बने महावीर के शिष्य गौतम स्वामी से पूछा क्या किया जाना चाहिए। और गौतम स्वामी के इस प्रसंग को मैंने सुना पढ़ा था और मुझे उसमें से उत्तर निकला, उसमें से शब्द के एक बार गौतम ऐसे ही अष्टापद पर विचरण करते करते पहुंच गए थे। वहां पे बहुत सारे तपस्वियों को देखा, तपस्वियों को देखा, शरीर कृष्ण है और यही उद्देश्य था कि शरीर को कष्ट दे करके उसमें से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है, संसार से छुटकारा मिल सकता है। इसी दृष्टि से अलग अलग जगह अलग अलग कोई पेड़ पर लटके हुए, कोई औंधे लटके हुए, कोई तालाब में खड़े हैं, हर तरह से जितना भी शरीर को पीड़ित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, कर रहे थे। और गौतम को देखा, वो जब अष्टापद पहुंच रहे गौतम को देखा, वो गौतम को देखा और गौतम को देख करके ही देखा हम भी तो तपस्वी और ये भी तपस्वी। वो इकट्ठे हो गए और कहे ब्रह्म इवते मुख माया थी सौम्या, तुम ऐसे लगते हो कि जैसे तुम्हें कोई ब्रह्म का परिज्ञान हो गया, ब्रह्म को तुमने जान लिया, तुम्हारा चेहरा ब्रह्म की तरफ में तेज से चलक रहा है, तुम कौन हो, तुम कहो। गौतम ने पूछा तुम कहो। बोले अहो कष्टम अहो कष्टम पुनस्तत्व न ज्ञायते, हम कष्ट चलते 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 बस किनारा पर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक हमें वो जो तत्व की जानकारी है वो तत्व की जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन तुमको देख करके लगता है कि तुमको क्या कर रहा है। बात चल रही है और कहा कि ठीक है अपने तत्व की बात तो बाद में करेंगे, बैठो अभी ये जो शरीर तुम्हारा जो कृश हो गया है, जो तुम भूख से दिन मिला रहे हो, तुम्हारा शरीर भोजन मांग रहा है उन तपस्वियों को जो उनकी परंपरा के नहीं है, उनकी परंपरा के नहीं है, उनके संघ के नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं है, उनका लेना देना नहीं, और सब के सब तपस्वियों को बैठा दिया और बैठा करके क्या कर दिया, खीर खीर। उनके पास में एक लपटी थी जो भी है, उस कथा को कहां से हो सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति भी आकर के उनको दे सकता है। उनके पास में पात्र में अंगुष्ठे अमृत बसे लपटितना भंडार, ये जो गाथा आई है उसी घटना में से ये गाथा आई है कि उन्होंने क्या किया कि अपना पात्र उसमें अंगूठा रखा और बस अंगूठा रखा तो उसमें से खीर से भर गया, खीर से भर गया तो एक को खिलाया फिर दूसरों को, कहते कि सैकड़ों की संख्या में 500 की संख्या में वो सब तपस्वी लाइन लगा करके खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में तपस्वियों को उन्होंने सबको ठीक तरह से वो खीर खिला दी। तो जैसे ही कमजोर शरीर उन्होंने खीर खाई वो तृप्त हुए, संतुष्ट हुए और कहा कि गौतम अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चलेंगे, पीछे पीछे ही चलेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे, अब तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मैं कहती हूँ कि गौतम वो जो साधु थे वो कौन थे, साधु किस परंपरा के थे, क्या करेंगे उन्हें नहीं पता, और अगर उन्होंने उस कष्ट से तिल मिलाते हुए लोगों को देख करके करुणा भाव में से अगर खीर खिलाई है, मुझे इतना ही काफी था आधार, इतना ही आधार काफी था। कष्ट से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसके कष्ट को निवारण करने के लिए अगर कुछ काम स्मार्थ के साथ किया जाए, बात रखे है कि भाई हम इनका धर्म परिवर्तन कर देंगे, हमको ये गुरु मान लेंगे कि हम, मैंने अभी तक यहाँ आने के बाद में किसी एक भी व्यक्ति से मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे गुरु मानो, एक भी व्यक्ति आज 50 वर्ष विरायतन को 70 में विरायतन की स्थापना होने के बाद में यहाँ पे आए थे, 50 वर्ष हो चुके हैं, एक भी किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कहा कि तुम्हें अपना धर्म बदल देना है, कि तुम इस धर्म को छोड़ करके उस धर्म को, मैंने जरूर बुराइयों से बचने के लिए, व्यसन से मुक्त होने के लिए, शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए मैंने उसे प्रत्येक व्यक्ति को मैंने प्रेरणा दी है, लेकिन किसी को भी हजारों की लाखों की संख्या के इन मरीजों के संपर्क में मैं रही हूँ, किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कहा कि मेरे धर्म को मान लो, कि मुझे तुम मानो, कि मुझे अपने गुरु के रूप में मानो, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन एक निस्वार्थ भाव से उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कहा तो मैंने कहा इससे बड़ा अध्यात्म मेरी दृष्टि से हो नहीं सकता, मुझे गौतम से बड़ा अध्यात्म दिखाई नहीं देता,
गौतम के समाधान से मुझे समाधान मिला है और यही काफी है। और एक तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो पुण्य बंध के संबंध में हमारी जो भ्रम है, हमारा जो भ्रम है, ये संसार का काम है, ये संसार का काम, ये संसार का काम। और ये हो सकता है पुण्य आज मेरे मन में किसी के प्रति भी, कोई सत्कर्म के प्रति, सत्कर्म करके आदमी की पकड़नी होती। आप देखना अपने दिमाग में, अपना खोल करके, खोज करके देखना, कोई अच्छा काम किया है उसके लिए कोई तकलीफ है कि आपने किसी के साथ में आपने अनर्थ किया है या आपका किसी के साथ में अनर्थ हुआ है। वो जो दुर्घटना है, वो दुर्घटना जितने दिमाग में घर कर गई है, वो जितना स्थान बना गई है, दुश्मनी का जितना स्थान बना हुआ है, पर दोस्ती का हाथ तो भूल जाते हैं। किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, कर दिया है, कहीं गए होंगे, खाना भी खिलाया होगा तो भूल जाएंगे। लेकिन किसी ने खाना, मुझे याद है कि एक जगह पे हम गोचरी को गए थे, वो जो मेरे घर परिवार वो सब मेरे दिमाग में अभी भी भूला नहीं। तो वो मैंने कहा कि भाई गोचरी, तो उसने जैसे मेरे पास रखा। अब शाम का समय था, आहार का समय, सूर्यास्त हो जाए तो फिर मुश्किल होगा, तो कोई दो रोटी भी दे दे शाम को तो ठीक होगा। तो इस आशा से मैंने रखा और वो इतने थे, उसने घूंघट ऊंचा किया, अरे ये तो लंबी मोमबत्ती वाले, चौड़ी मोमबत्ती वाले, मिच्छा में दुकड़म, हमको तो कांटा लग गया है, काटा तो काटा तो सचित होता है ना, तो हम तो असुस्ते हैं, तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो वो जो घटना है दिमाग में से, उसके बाद तो उन्हीं लोगों के द्वारा मेरे लिए बहुत अच्छे से अच्छी सेवाएं हुई है, लेकिन वो घटना दिमाग में से जाती नहीं, वो घटना दिमाग में से जाती नहीं। जो घटनाएं पाप की होती है वो जाती नहीं, उसके बाद तो पुण्यमय घटनाएं उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं आचार्यों के द्वारा, उनके साधुओं के द्वारा अब में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत संशोधन हुआ है। अब तो उनको मैं बहुत सम्मान की निगाह से देखती हूँ, वे भी मेरा बहुत प्रेम करते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे आते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पुण्य पकड़ता नहीं है, पुण्य पकड़ता नहीं, पाप की जगड़ बड़ी गहरी है। तो पहले उसी को निकलो, वो कांटा तो निकाल दो, पैर का जो कांटा है, पैर में जो कांटा चुभ जाता है ना, तो चलना बहुत मुश्किल था। हर कदम पर वो पाप की जड़ बाहरी गहरी है। तो मैं संक्षेप में कहना चाहती हूँ, बहुत लंबी चर्चा हो गई है, तो अपने जीवन में जब भी कभी कोई भी सत्कर्म करने का मौका मिल जाए, किसी का भला करने का अवसर आ जाए, कहीं पर भी हमारी जिंदगी इस सत्कर्म के लिए उपयोग में आ जाए, इससे बड़ा सुंदर अवसर और कुछ हो नहीं सकता। तो स्मरण रख लेना, आज इस चरण विधि का अर्थ है कि अशुभ से, अशुभ प्रवृत्ति से, अशुभ कार्यों से मुक्त होकर कहाँ चलना है, शुभ में, उन गंदी गलियों की अपेक्षा से, घूमने की अपेक्षा से, अच्छे बगीचे में, इस नंदनवन में, जरा चक्र की इस वैभागिर की तलटी में आ जाओ, उन गंदे उस जो एक तरह से पोल्यूटेड शहर में रहने की अपेक्षा से, इस शुद्ध प्रशुद्ध सुंदर वातावरण में आ जाओ। तो उसकी अपेक्षा से ये अशुभ से शुभ में आ जाओ, और शुभ में प्रशुद्धता तो अपने आप ले चलेगी। सर्वार्थ सिद्धि से मुक्ति लंबी नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि से मुक्ति लंबी नहीं है, इस नरक से मुक्ति बहुत लंबी है। देखो उसकी दूरी, जो फासला है, उस फासले को भी अगर क्षेत्र की दृष्टि से भी, फासले की दृष्टि से भी देखो, तो वो जो नरक है उस नरक से मुक्ति दूर है, पर सर्वार्थ सिद्धि से मुक्ति बहुत निकट में है। तो पुण्य से मोक्ष नजदीक में है, पर पाप से बहुत दूर है, उसमें से निकलते निकलते जंगल के जंजाल में से पार होना आसान नहीं, और वो तो सरल सीधा रास्ता है, पुण्य में से सरल सीधा रास्ता है। इसलिए पुण्य से घबराओ मत, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। यद्यपि पुण्य बंध का कारण है, लेकिन पुण्य बंध से घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि अभी तक हम अशुभ से ही छुटकारा नहीं पा सके हैं। अशुभ से छुटकारा पा जाए तो शुभ में से अपने आप निकल जाओगे, उसकी चिंता मत करो। एक तरह से आज के अध्याय को अपने यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, 2-5 मिनट आपके लिए हैं, एक्स्ट्रा है अभी, आज स्वाध्याय में से बच गए हैं, तो आपके लिए हैं। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो मैं आप लोगों को
इनवाइट करती हूँ, निमंत्रण देती हूँ। मनोज ने बहुत दिनों से प्रश्न नहीं पूछा है, आपके लिए है तो आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है? और सब ठीक है, थोड़ी सी स्पष्टता हुई है कि और उलझ गए हैं, पुण्य पाप के जंजाल में उलझ गए हैं कि कुछ स्पष्टता हो गई है और अपने लिए जीवन का मार्ग नजर आया है। नहीं, मासती जी प्रणाम, स्वस्थ। आप जो इतना क्लियरली समझा रहे हैं ना, तो इसमें इतना ही समझ में आया कि अच्छा मनुष्य बनना जरूरी है और जितना अच्छा काम कर सकते हैं अपने से वो करना चाहिए। प्रणाम, स्वस्थ। आप जो इतना सावधानी के साथ में थोड़ा सा अपने आप को मनोज, तुम्हें कुछ नहीं प्रश्न पूछना? जी पूछना है महाराज साहब, मैं बाकी सबको जरा, मैं सोचा था सब बोल ले उसके बाद बोलूंगा। तो 23वें अध्याय में श्रमण केसी और जब गौतम स्वामी मिलते हैं, बाकी सबको जरा मैं सोचा था सब बोल ले उसके बाद बोलूंगा। हाँ। तो 23वें अध्याय में श्रमण केसी और जब गौतम स्वामी मिलते हैं, बाकी सबको जरा मैं सोचा था सब बोल ले उसके बाद बोलूंगा। हाँ। तो 23वें अध्याय में श्रमण केसी और जब गौतम एक ही रिपीट हो रहा है, अनम्यूट करते हैं सबको। प्रॉब्लम है सिस्टम में। क्या प्रश्न है केशी और गौतम का? मेरी आवाज इको हो रही है थोड़ी, आप सब हो? अच्छा, अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्या प्रश्न है केशी और गौतम का? मेरी आवाज इको हो रही है थोड़ी। हाँ, अब मैं बोलता हूँ। सो 23वें अध्याय में जब श्रमण केसी और गौतम स्वामी मिलते हैं, और उस समय शिष्यों के मन में प्रश्न आता है कि जब उद्देश्य एक है तो परंपराएं अलग क्यों हैं? तो उस समय गौतम स्वामी श्रमण केसी को बताते हैं कि समय और काल के अनुसार लोगों के व्यवहार बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, उस हिसाब से परंपराओं में अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जाए, मैं सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। उस उद्देश्य से आपने पहले एक बार कहा था कि ऑब्वियसली हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उत्तराध्ययन सूत्र में सुनना, श्रद्धा रखना और आचरण करना, ज्यादा नहीं, परंतु कुछ ऐसी बातें उत्तराध्यान में आती है, और अगेन इस सागर में देखा जाए तो दो चार बाल्टी जैसी है, परंतु फिर भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल में एक सवाल आता है। जैसे आपने कहा था कि भगवान महावीर ने कहा था अगर कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए। दूसरा उदाहरण आता है ऐसी, अगर शरीर में रोग लग जाए तो चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए। तीसरा, एक जब वो ब्रह्मचारी का अध्ययन हुआ था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो तीसरा जो वो ब्रह्मचारी का जो अध्ययन में पढ़ रहे थे, उसमें स्त्री और पुरुष के आपस में बीच में कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये कुछ बातें आज के जीवन के प्रसंग के अनुसार अगर हमारे मन में स्वच्छता रहे